गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स चैप्टर नंबर सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फूड। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। आज हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन में हमको जिस चैप्टर के मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था, तो बताए थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन, मिनरल, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। मेन कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे फूड में होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं स्टार्च की फॉर्म में और शुगर की फॉर्म में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इट इज द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। ये क्या है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो होती है, काम को करने की कैपेसिटी होती है, वो हमको इन न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए मिनरल्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के थ्रू। दे आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द अवर बॉडी। ये हमारी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ये हमारी हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स, दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन्स होते हैं इनको जाना जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड के लिए। दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। इनको कैसे जाना जाता है? इनको जाना जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड की तरह। दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मेंटेन करने के लिए प्रोटीन जरूरी होते हैं। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोवाइड अस एनर्जी। स्टार्च एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी के द्वारा रिक्वायरमेंट होती है। इनकी दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेज। वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे डिजीजेज से। न्यूट्रिएंट जो होते हैं द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ। द कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के वो कंपोनेंट जो हमारी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी और हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। ऐसे कंपोनेंट होते हैं ये फूड के जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। विटामिन, मिनरल डेफिशिएंसी, डिजीज, डिसऑर्डर और सिम्टम्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज या डिसऑर्डर हो जाता है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए के कारण जो देखने की जो क्षमता होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। लॉस ऑफ विजन होता है, पुअर विजन हो जाता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात के टाइम दिखाई नहीं देता, कई बार क्या होता है कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का और वीक हो जाती है मसल्स, ठीक है। विटामिन बी वन से कौन सा होता है? बेरी बेरी नाम की डिजीज होती है, बेरी बेरी में क्या होती है? मसल्स वीक हो जाती है। विटामिन सी क्या होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है? वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने की जो होती है बहुत कम बचती है। ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से क्या होता है? खून निकलने लग जाता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम और ये घावों को भरने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी डी की डेफिशिएंसी से कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स के क्या सिम्टम्स होते हैं? बोन्स जो होती है सॉफ्ट और बेंट हो जाती है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो बोन्स होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बेंट हो जाती है। कैल्शियम,
बोन एंड टूथ डिके, बोन और टूथ का क्या होता है, डिके हो जाता है, वीक बोन्स हो जाती है, टूथ का डिके होने लग जाता है, सिम्टम्स है इसके वीक बोन्स, ठीक है। एंड टूथ का क्या होता है, डिके होने लग जाता है। आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है, गॉइटर होता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर, जो ग्लैंड्स होती है नेक की वो क्या होती है, डिसेबिलिटी, उनके अंदर क्या होती है, डिसेबिलिटी आ जाती है। सबसे ज्यादा बच्चों में होता है आयोडीन जो होता है, गॉइटर होता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर वुलन पैंट एंड डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों में। आयरन, आयरन जो होता है वो क्या होता है, एनीमिया, इससे क्या होता है, आयरन के हेल्प से डिजीज से एनीमिया डिजीज हो जाती है, इसमें क्या होती है, बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाती है। आयरन जो होता है, आयरन एक टाइप का जो विटामिन और मिनरल्स में काउंट होता है, इससे डिजीज होती है एनीमिया, एनीमिया से क्या होता है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो ये टेबल आपको पूरी लर्न करनी है, जितने भी विटामिन्स हैं उनके सारे डिसऑर्डर्स और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज पता होने चाहिए और उनके सारे सिम्टम्स लर्न करने हैं। एग्जाम में मोस्टली इनमें से पूछा जाता है, बाकी आगे आप इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके चैप्टर का रिवीजन करोगे।